डॉक्टर समरम का हिंदी चैनल को स्वागत। समरम जी, मर्द या औरत शादी के पहले ही श्रृंगार में भाग लेने से हम उनको पहचान सकते हैं? शादी के पहले पुरुष स्त्री, पुरुष में औरत कोई भी हो, उनके कोई भी लैंगिक अनुभव हो तो श्रृंगार में जैसे भाग लेने से हम नहीं कर सकते, पहचान सकते। पुरुष शादी के पहले किसी औरत से लैंगिक अनुभव होने से उनको कुछ भी नहीं पहचान सकते, उधर कोई भी साइन नहीं होता। यदि उसको कोई यौन रोग होने से, वेनेरियल डिसीज होने से, तब हम थोड़ा सा समझ सकते हैं उसको लैंगिक अनुभव है, इसलिए उनके इस प्रकार के यौन रोग आए हैं। वैसे ही महिला को भी शादी के पहले उसको कोई लैंगिक संबंध हो, उसको भी हम नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते, वो नहीं कर सकते हैं। वो उसको शादी के पहले ही लैंगिक अनुभव है ऐसा कम कह नहीं सकते। कुछ लोग समझते हैं हाइमन फट जाएगा तो, हाइमन नहीं रहेगा तो, उसको समझते हैं इसके ये तो कन्या नहीं है, शादी के पहले ही उसको कोई पुरुष से कोई लैंगिक संबंध है ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बिना सेक्स से भी हाइमन फटक होता है, हाइमन इंजरी हो जाता है, सेक्स की जरूरत नहीं है। इसलिए लैंगिक दी हाइमन का फटना कोई भी लैंगिक संबंध से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए औरत को भी हम नहीं कह सकते हैं शादी के पहले उसको सेक्स में बल वैसा अनुभव है ऐसा नहीं। यदि उसको भी कोई यौन संबंधी रोग हो तो तब कोई थोड़ा सा हमको उसके बारे में संदेह कर सकते हैं, लेकिन औरत हो या पुरुष हो किसी को भी शादी के पहले इसको सेक्स के संबंध है ऐसा कह नहीं सकते, इसलिए उसके बारे में हम कुछ भी सब निर्धारण नहीं कर सकते हैं। और एक इंटरेस्ट आपसे फिर मिलेंगे, तब से मिलाऊंगा, नमस्कार। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल। ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स। For more videos, please subscribe to this channel and activate the bell icon.